नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल नीरज एक आवाज़ में। और आज की वीडियो में क्या खास है वो भी मैं बता देता हूं। आज की वीडियो में जो ऐप मैं लेकर आया हूं इस साल की सबसे बेहतरीन ये ऐप रहेगी, गारंटी की बात है। यदि आपको इससे बेहतर ऐप मिल जाए तो आप मुझे भी बताएं कॉमेंट बॉक्स में कि भाई इससे भी अच्छी कोई ऐप है। तो आज की जो वीडियो रहेगी, आज की जो ऐप रहेगी वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड रहेगी। मतलब यदि आपकी कोई भी लैंग्वेज कमज़ोर है और दूसरी लैंग्वेज यदि स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप इंग्लिश में आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज है या कोई भी आपके लैंग्वेज में है, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। पहले मैं वर्क बताऊंगा, उसके बाद आपको ऐप बताऊंगा। चलो दोस्तों मैं दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये इंग्लिश में मैसेज है और मुझको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे कर सकता हूँ? तो देखते जाएँ दोस्तों, ये है इंग्लिश में मैसेज, तो मैं इसको डायरेक्ट इसको हिंदी में कर देता हूँ। देखो दोस्तों, ये ऊपर भी देखो दोस्तों, कोई भी आपके पास इंग्लिश में मैसेज है आप उसको तुरंत हिंदी में भी कर सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। यदि आप दूसरी लैंग्वेज यदि आपको अच्छे से आती है, फॉर एग्जांपल आपको यदि इंग्लिश से उर्दू में करना है तो उर्दू में भी ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब ये ऐप कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक बात और है, सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज नहीं, आपके पूरे फ़ोन में कहीं पर भी कैसा भी मैसेज हो इंग्लिश में वो आपको ट्रांसलेशन करके बता देगा। एक सबसे अच्छे हाँ सबसे पहले मैं आपको इस ऐप का नाम बता देता हूँ कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाए। हाँ, एक बात और, एक ही नाम की कई ऐप होती है हम जानते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक डाल दूंगा ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर सके, और मैं आपको सेटिंग भी बता दूंगा। ये हाई ट्रांसलेट लिखें आप, सबसे पहले जो आइकॉन आए ये आएगा, अगर इसके अलावा दूसरा आए तो आप देख लें कि आइकॉन कौन सा है, नहीं तो आप मेरे लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ, फिर आपको सेटिंग बताता हूँ। आप सबसे पहले जो ऑप्शन है ओपन ट्रांसलेशन बाल, आप इसको क्लिक कर दीजिए। योर लैंग्वेज मतलब आप कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास इंग्लिश में कोई टेक्स्ट मैसेज है या कोई भी कहीं पर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में देखना चाहते हैं, तो मतलब आप यहाँ पर ऊपर हिंदी लिख दें। उसके बाद आता है योर फ्रेंड लैंग्वेज, मतलब कि आपके पास मैसेज कौन सी लैंग्वेज में है, मतलब इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश कर दीजिए, मैंने इंग्लिश कर दिया। और ऊपर योर लैंग्वेज मतलब मेरी लैंग्वेज मतलब हिंदी, मैं हिंदी में देखना चाहता हूँ। उसके बाद है ट्रांसलेट क्लिपबोर्ड, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ऐसा करने के बाद आपके पास एक बाल आ जाएगा। देखो ये बाल जो आपके पास है, ये सर्च जो आइकॉन है ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको एक सेटिंग और बता देता हूँ, यदि इस पर आप आराम से एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक सर्कल आ जाएगा, इस पर सेटिंग भी लिखा हुआ, मूव सर्च क्लोज ग्लोबल ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है। अगर आपका नेट ऑन है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा पेज ही हिंदी में चाहिए, मान लेते हैं आपको पूरा का पूरा ये हिंदी में चाहिए, तो आप एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए और ऊपर ग्लोबल ट्रांसलेट कर ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब होस्ट देखो दोस्तों, सब पूरा का पूरा जो मैसेज जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखे दोस्तों, देखो दोस्तों, पूरा का पूरा ये हिंदी में ट्रांसलेशन हो गई है। अच्छा दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी नहीं मिली है तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।